अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है मेरे बच्चों की, और मेरे घर तो वैसे अभी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि जाता हो स्कूल। उस्मान भी बहुत छोटा है, लेकिन हाँ, जो मेरे हस्बैंड है ना, वो टीचर हैं, तो इसीलिए हमारे घर में भी ना वेकेशंस में बिल्कुल टोटली डिफरेंट रूटीन हो जाती है, और उसी रूटीन को भी हम आगे फॉलो करते हैं। तो आपके साथ भी आज मैं वही रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि वेकेशंस में ना जो हमारे घर की एक न्यू रूटीन आप समझ लें जो आजकल चल रही है, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, और अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अभी ना बस मैंने यहाँ पे सुबह नाश्ते की चाय ख़त्म की है, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे मेरी हमेशा चाय ठंडी हो जाती है, और कभी कभी चाय ले लेती हूँ गर्मियों में, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिल करता। लेकिन जब ठंडी हो जाए तो मुझे हमेशा बाद में ना गर्म करके ही फिर पीनी पड़ती है। और इस टाइम पे ना बस मैंने सारा जो किचन वगैरह था वो क्लियर कर दिया हुआ था, क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद ना सबसे पहले जो है ना वो बर्तन वगैरह और काउंटर टॉप स्टोव वगैरह क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद आराम से बैठ के फिर चाय पीती हूँ। और अभी बस यहाँ पर उस्मान के मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए थे। सुबह सुबह ना ऐसे ही होता है इस टाइम पर, क्योंकि वेकेशंस जब से स्टार्ट हुई है ना, तो थोड़ी सी रूटीन ऐसे है कि सुबह थोड़ा लेट ही सबका नाश्ता होता है, बहुत जल्दी तो कोई भी नहीं करता। तो ये होता है कि जैसे 9:30-10 बजे सब उठना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये कि 10:30 तक हमारा नाश्ता हो जाता है, और उसके बाद फिर बस जो भी घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी हो, बेडशीट चेंज करनी हो या डस्टिंग होनी हो, जैसे कि अभी मुझे ना सारी बेडशीट चेंज करनी थी। तो ये वाली जो बेडशीट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं न्यू बेडशीट लेके आई थी कुछ दिन पहले, मम्मा के घर की हुई थी मैं, तो बाज़ार की हुई थी और वहाँ से मैं लेके आई थी। तो समर्स में ना वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की लाइट कलर्स की बेडशीट। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये वाली बेडशीट आप लोगों को कैसी लग रही है। और मैं इसके अलावा ना एक और लेके आई थी ब्लू एंड वाइट कलर की, तो वो भी जब मैं बिछाऊंगी ना तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन भी ना समर्स में बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा एहसास होता है। और जितने आप डार्क कलर्स की बिछाते हो ना, तो उतना ज़्यादा ना गर्मी महसूस होती है। तो बस अभी मैं जो बेडशीट चेंज करनी थी दोनों रूम्स की, वो मैंने चेंज कर दी थी, और बाकी जो सफाई वगैरह होती है, क्लीनिंग होती है ना, वो हमारे घर में मतलब जब करवानी होती है तब करवा लेते हैं, और एक दिन पहले ना सारी क्लीनिंग हुई थी, तो इसीलिए आज उस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और आज के ना उस्मान के लिए हमने ये वाला एक उसका छोटा सा हाउस निकाला हुआ है प्ले करने के लिए। अक्सर ना उस्मान की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं ना रख देती हूँ उठा के, और फिर जब वो भूल जाता है ना उन चीज़ों को, फिर जब मैं दोबारा कुछ टाइम के बाद निकाल के देती हूँ, तो वो उसको ना नई नई सी लगती है, और फिर वो काफ़ी टाइम तक ना उस चीज़ के साथ इंगेज रहता है और बिजी रहता है उसमें। और वरना तो अगर आप बच्चों को हर चीज़ निकाल के दे दो ना, तो वो फिर हर चीज़ से ना उनका दिल बहुत जल्दी भर जाता है, और फिर कभी उधर फेंकना कभी उधर फेंकना, और चीज़ें ऐसी ज़ाया हो जाती है। तो मैं समटाइम्स कुछ चीज़ें रख भी लेती हूँ, और आए दिन मेरा ये भी काम होता है कि जो जो इसके टॉयज़ ख़राब हो रहे होते हैं ना, वो मैं मतलब एक साइड पे रख देती हूँ, और फिर जब भी वो मतलब थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ या फिर डोनेट कर देती हूँ। तो इस तरह से ये इसके थोड़े से मतलब छांटी भी करती रहती हूँ थोड़े टॉयज़ की, और फिर जो नए आते रहते हैं ना, तो उनको मैं थोड़े से टाइम के बाद देती रहती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा ना इन्जॉय भी करता रहता है। अभी जब ये इसका हाउस देख रहे हो ना, ये भी इसकी मतलब खाला ने दिया था इसको इसकी सेकंड बर्थडे पे, और अभी इसकी सेकंड बर्थडे को भी काफ़ी टाइम हो गया, माशाल्लाह 2.5 साल से ऊपर हो गया, और मैंने काफ़ी मतलब ये टाइम तक रख दिया हुआ था पैक करके, और उसके बाद अब ये कुछ दिन एक दिन पहले ही निकाला था, तो बस इसको भी निकाल के दिया। तो इसके सारे टॉयस जो है ना जो इधर उधर फैले होते हैं वो सारे इसके अंदर डाल दिए, तो काफ़ी खुश हो गया हुआ था, और काफ़ी टाइम तक ना इसके साथ ना बिज़ी रहा था। अच्छा जी, आज खाने में बन रहे थे आलू मटर वाले चावल, और गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि जी आप चावल वाली कोई चीज़ बना लो, या फिर कोई हल्की फुल्की सी चीज़ खाने को दिल चाहता है। मेरा ख्याल है बहुत कम लोग होंगे जिनका रोटी खाने को दिल चाहता होगा, वरना हर किसी का दिल चाह रहा होता है कुछ चावल ही बन जाए साथ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ बन जाए जो बहुत लाइट सी हो, ठंडी ठंडी सी लगे, या फिर कुछ खाने के बाद ही कुछ इतना ठंडा ठंडा सा कुछ खा लिया जाए। तो इस तरह के मौसम में ना दिल चाहता है कि कोई रायता वगैरह हो साथ, दही का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, और इसके अलावा अगर सैलड अगर आप बनाते हो तो वो बहुत अच्छी रहती है। और मुझे याद है हम लोग ना जब छोटे होते थे, तो जब भी हम स्कूल से घर आते थे ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, और मामा के साथ फिर आके जो भी स्टोरीज़ वगैरह सुनाना, सारा कुछ टाइम उनका जो भी हमारा स्कूल में गुजरा होता है वो सारा हम बता रहे होते थे। और जब तक मामा ने ना हमारे घर आने से पहले पहले खाना तो रेडी होता ही था, उसके साथ साथ ना मामा ने स्पेशल मतलब कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह कट करके रखा होता था फ्रिज में पहले से ही, या तो वो मेलन होता था या वाटरमेलन होता था, तो वो खाने का एक अलग ही मज़ा होता था। हालांकि अब जो है ना, वैसे मेरे ससुराल में मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग काट के रख दें, बस ये होता है कि पीसेस कट करके रख देते हैं, तो जिसने जब खाना वो अपने हिसाब से कट करके ले लेता है। तो लेकिन मुझे ये वो टाइम ना इस टाइम पर याद आ रहा होता है कि जब मामा ना हमारे लिए इस तरह से फ्रूट स्पेशल कट करके रखती थी बाकायदा, ताकि हम लोग जब आएँ और खाने के बाद ना उस फ्रूट को इन्जॉय करें, तो उस गर्मियों में ना वो जो फ्रूट ठंडा ठंडा फ्रिज का निकला हुआ होता था ना, मतलब वो जन्नत से कम नहीं था लगता।
तो खैर आप लोग भी मुझे ना कमेंट बॉक्स में कोई ऐसी छोटी बात ज़रूर बताना जो आपके भी बचपन में आपके लिए आपकी मदर्स करती हों, या कुछ आपको ऐसी चीज़ हो जो आपको स्पेशल कोई होती हो, जो आपके घर में मतलब स्पेशल वो होती ही होगी और समर्स में स्पेशली, तो वो मुझे ज़रूर कोई बात अगर ऐसी है तो ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। तो जी यहाँ पर साथ साथ बन रहे थे आलू मटर वाले चावल, और मैं ना आज पहले तो मैंने सोचा था कि बना लेते हैं कुछ मसूर दाल येलो वाली जो होती है, और साथ में मतलब ऑरेंज वाली होती है पकने के बाद येलो हो जाती है, और साथ में वाइट राइस। तो लेकिन दालें घर में मौजूद नहीं थी जो मैंने चेक किया, और बस थोड़ी बहुत ना ग्रॉसरी भी आने वाली है, तो हमारे घर में फिर यही होता है थोड़ा बहुत ना, जब सामान थोड़ा बहुत ख़त्म होता है ना तो फिर उसके साथ ही ग्रॉसरी मतलब जो ज़रूरत होता है वही आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मंथली स्पेशल ग्रॉसरी करने जाते हैं, बस जो जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर ना मंगवा लेते हैं। तो अभी जी यहाँ पर फिर कुछ ये मटर थे फ्रोज़न, और पता नहीं कब के फ्रीज़ हुए थे, मुझे तो याद भी नहीं था, बस इन पे नज़र पड़ी है। और खैर फिर यही सोचा कि चलो आलू मटर वाले ना चावल बना लेते हैं। तो बस फिर जल्दी से सबसे पहले मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया है, और उसके बाद ना मैंने इसमें मटर और आलू को डालकर ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अच्छा छोटी अम्मी जो है ना जो भी चीज़ बनाती है ना इस तरह की चने वाले चावल हो गए, यानी कि वो जो वाइट चने वाले चावल होते हैं, या फिर इस तरह के मटर वाले चावल हो गए, या फिर चिकन वाले चावल कह लें, या पुलाव कह लें, या फिर अगर आप कोई भी चिकन का सालन भी कह लें, तो छोटी मी ना मुझे अक्सर कहती है कि चीज़ों को ना फ्राई करने से उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो मैं भी अब यही करती हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद। तो अभी ना मैंने इसलिए मटर और आलू को थोड़ा सा ब्राउन किया, मतलब हल्का सा गोल्डन कलर आने दिया था फ्राई होके, और उसके बाद मैंने इसमें सारे स्पाइसेस टमाटर के साथ ऐड कर दिए, जिसमें साबुत गर्म मसाले भी थे, और मसालों में जो है ना स्पाइसेस मैंने सिर्फ जो है हल्दी नमक और धनिया और जीरा पाउडर ऐड किया था, और मिर्चें तो हम आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। और उसके बाद ना बस मैंने इसमें थोड़ा सा ना ये जो भी आपने वाइट कलर का पाउडर देखा ना वो मैं इसमें डाल रही थी, चिकन पाउडर मैंने आजकल घर में मंगवा के रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बहुत थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो एक तो वो सॉल्टी भी हो जाएगा आपका खाना, और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि जैसे उससे दिल ख़राब होने लग जाता है अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ कर लोगे। तो आपने अगर जैसे इतना ज़्यादा मैं बना रही थी तकरीबन यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास मतलब आप समझ लें 1 किलो से थोड़े से कम चावल लिए थे, तो उसमें ना मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून जो है ना इसमें ये चिकन पाउडर ऐड किया था, तो उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और बस उसके बाद मैंने उसमें जब वो भुन गया था पानी डाला, उसमें थोड़ा सा गला लिया, और अभी मैंने इसमें ना चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दिया था, और अब इस पानी में मैं घर का अचार डाल रही हूँ। तो जिन लोगों को नहीं ना पता मैं उनको बता दूं कि ये हमारे घर का अपना अचार है, और बाहर से हम लोग बहुत मतलब नहीं मंगवाते बिल्कुल भी। और ये छोटी अम्मी ने जो है ना अचार लगाया था, और ये इतना मज़े का बना है। अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ लीमू और हरी मिर्चें बची हैं, और वरना इसमें पहले ना और भी चीज़ें डाल के रखी हुई थी, तो बस अभी भी थोड़ी सी क्वान्टिटी में रह गई। बस ये होता है कि इसका ना हम जो तेल की क्वान्टिटी है ना वो हम बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देते, इतना रखना होता है कि सब चीज़ें जो है ना वो तेल के अंदर डिप रहें। और बस ये देखें इसको हमने बाहर ही रखा हुआ है, इस तरह का जो वाइट कलर का मलमल का कपड़ा जो होता है ना वो ऊपर लपेट के रख देते हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बहुत ही मज़े का लगता है। और जितना ज़्यादा देर तक का ये रहता है ना अचार, उतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ें इसके मसाले आपस में रच बस जाते हैं। तो बस मैंने अभी ये भी ना थोड़ी सी हरी मिर्च और जो लीमू था अचार वाला वो मैंने इसमें डाल दिया था चावलों में। आप लोग कभी ट्राई करना, आपने कभी अचार और इस तरह की चीज़ कोई राइस में डाली हो ना जब घर में बना रहे हो नॉर्मल कोई पुलाव वगैरह भी बेशक बना रहे हो, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है उस अचार का। तो बस उसके बाद बस मैंने यहाँ पे जैसे पानी में बॉयल आया तो मैंने इसमें राइस डाल दिए थे। अच्छा कुछ लोग करते हैं कि जब पानी डालते हैं ना तो फ़ौरन से चावल डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, थोड़ा सा जब मैं पानी ऐड करती हूँ ना तो थोड़ा सा उसको पकने देती हूँ एक दो बॉयल, ताकि वो जो पानी है ना उसमें भी ज़रा सारे फ्लेवर्स आ जाए और उसका कच्चापन निकल जाए। तो उसके बाद फिर मैं ना इसमें सारे जो राइस है वो ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। और इस टाइम पर गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है 2:30 बजे तक हमारी, तो मुझे सिलेंडर पर जो है ना बाकी खाना पकाना पड़ा था। तो जी लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना वो दराज हॉल की वीडियो, तो जिसने मेरी अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी हुई तो वो लाजमी जाके वो दराज वीडियो हॉल जो शॉपिंग हॉल है वो लाजमी जाके देखे। मैं उसका जो लिंक है वो अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके ज़रूर देखना और मुझे फीडबैक देना। और ये वाली जो मैंने वैक्स मंगवाई थी ना फिंगर वैक्स, ये थी अपटाउन LA की, और मुझे किसी ने कहा था इसका मुझे रिव्यू शेयर कर दें, तो रिव्यू मैं शॉर्ट में तो नहीं बना पाती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वीडियोज़ के थ्रू भी मैंने सोचा कि नेक्स्ट
वीडियो जो भी बनाऊंगी उसमें मैं आपके साथ इसका जो भी फीडबैक होगा वो शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं इसको एक दफ़ा यूज़ भी कर चुकी हुई हूँ। तो जी इसका जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। तो अच्छा वैसे बस मैं ये कहूँगी, सारा कुछ पीछे लिखा हुआ डायरेक्शन कि आपने कैसे कैसे यूज़ करना है, प्रिकॉशन भी लिखी हुई है, बाकी ये किस तरह से रिजल्ट देती है एग्जैक्ट इसने मुझे वैसे रिजल्ट दिया था। कोई हाँ थोड़ी बहुत तो इचिंग होती है ना कि आप जब कोई अपने मतलब इस तरह से बाल निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत दर्द तो होती है। आप ये नहीं कह सकते आपको दर्द ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको पुल करने पर दर्द होता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्किन पर हार्श हो, बहुत ही स्मूथ थी। और थोड़ा और मैंने फर्स्ट टाइम वैक्स यूज़ की है तो अगर ये थोड़ी सी मुश्किल होती ना यूज़ करने में तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने इसको बहुत इजीली यूज़ कर लिया था। जैसे हालांकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल मैस क्रिएट नहीं होता, आपको अपनी फिंगर्स भी लेना होता है और इसको यूज़ करना होता है। बस आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप जब भी इसको यूज़ करें तो आपने अपनी स्किन को ना अच्छे से सोप से साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है और उसके बाद उसको ड्राई करके फिर लगाना है। वाटर से कॉन्टैक्ट इसका बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि वाटर से कॉन्टैक्ट होगा तो ये बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएगी, इसका असर ही खत्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो आपने अपनी फिंगर्स वगैरह पर जहाँ पर भी वैक्स वगैरह लगी हो आपके हाथों पर वो भी आप सिंपल से अपने पानी से हाथ धो लें तो बड़े आराम से जो है ना वो निकल जाती, कोई मसला नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अगर आपको यूज़ करने के बाद हल्की सी जैसे रेडनेस हो जाती, जैसे कि मुझे भी रेडनेस हुई थी हल्की सी, तो वो आप सिंपली को उसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपने। हाँ अगर ज़्यादा हो तो आप हल्का सा जैसे आइस क्यूब्स होते हैं वो रब कर सकते हैं, उससे रेडनेस खत्म हो जाती है। वो रेडनेस अगर आप ना भी लगाएं तो जैसे मैक्सिमम 30 to 40 minutes तक मतलब वो जो रेडनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है और इचिंग भी बिल्कुल उस वक्त के लिए होती है जब आप उसको पुल करते हो। तो ये काफ़ी अच्छी है और रिकमेंडेड है, आप लोग मंगवा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो जी बस यहाँ पे खाना भी बन गया हुआ था और बस उसके बाद मैंने खाना खाया और साथ मेरे साथ ना अभी उस्मान भी बैठा हुआ था, उसको भी मैं साथ खाना खिला रही थी। और बस खाना खाने के फ़ौरन बाद ही ना फिर मुझे पढ़ाना होता है और पढ़ाने के दौरान फिर बस मैं यहाँ पे चाय भी बना रही होती हूँ क्योंकि इस टाइम पे ना अहमद को भी चाय चाहिए होती है और साथ में नीचे कोई हो तो उसको भी चाहिए होती है गार्ड वगैरह, और साथ में मैं अपने लिए इस टाइम ज़रूर बना लेती हूँ। बेशक गर्मियाँ चल रही हैं लेकिन ना मुझे पढ़ाते हुए ना जो अक्सर ज़रूरत पड़ती है चाय की, और मुझे ना लगता है जैसे मेरा गला ख़राब हो जाएगा अगर मैं नॉन स्टॉप बोलती रहूँगी, और इसलिए भी मैं थोड़ा सा ना चाय पी लूँ ताकि जो है ना गले को थोड़ा सा ना सुकून आ जाए। तो बस उसके बाद यहाँ पर जी उस्मान भी अपने कामों में लगा होता है। उस्मान जो होता है ना इस टाइम पे खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर बाद जो है मैं इसको फ्रूट वगैरह दे देती हूँ, दूध वगैरह लेता है और उसके बाद ये सो जाता है। समटाइम्स नहीं भी सोता लेकिन आजकल ये है कि ये जल्दी उठ रहा है तो इस टाइम पे ना ये सो जाता है। बस यहाँ पे चाय भी बन गई है, बस मैं चाय निकालूंगी और यहीं पर मैं व्लॉग के आज के एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ज़रूर इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।